थाना किरार के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैरागढ़ पर एडी अपर निदेशक अविनाश कुमार ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैरागढ़ पर अन्य प्रकार की अनियमितताएं पाई गई, जैसे जो लैब कर्मचारी थे उन्होंने अपने मुंह पर मास्क नहीं लगा रखा था, थोड़ा साफ सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं थी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैरागढ़ में पाई गई अनियमितताओं को लेकर एडी अविनाश कुमार ने वर्तमान हॉस्पिटल अधीक्षक को 1 महीने का टाइम दिया है। 1 महीने के अंदर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैरागढ़ में पाई गई अनियमितताओं को दूर करने के दिशा निर्देश दिए हैं। पूर्व में स्टाफ नर्सों पर अवैध वसूली करने के जो आरोप लगे हैं, उन पर आगे भी ऐसी शिकायत पाए जाने पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। अविनाश कुमार ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैरागढ़ पर पार्किंग को लेकर एक नई रूपरेखा तैयार की है। जिसमें मोटरसाइकिल पार्किंग स्टैंड अलग होगा अथवा कार पार्किंग अलग होगा, और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैरागढ़ में जो गार्डन बना हुआ है उसमें दिशा निर्देश करते हुए गार्डन की व्यवस्था के लिए एक माली की व्यवस्था की जाएगी। नए वृक्षों का पौधारोपण किया जाएगा, ताकि जैसे कि बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की रंगाई पुताई के लिए जो बजट आया है वो सीएमओ के खाते में आया हुआ है। तत्काल प्रभाव से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की रंगाई पुताई का कार्य भी कराया जाएगा। तो अविनाश कुमार सिंह अपर निदेशक, सर आज आपका दौरा खिराड़ सीएससी पर हुआ है, आज आपने यहाँ पर निरीक्षण किया है, यहाँ पर आपको क्या अनियमितताएं पाई गई? ये निरीक्षण सामान्य निरीक्षण था। अभी अगर बाहर से देखें तो अभी यहाँ जैसे पार्किंग की व्यवस्था करनी है, गाड़ियाँ आड़ी तिरछी खड़ी हैं, इसके लिए पार्किंग अलग से डिजिग्नेट किया जाएगा कि यहाँ पे पार्किंग होना चाहिए। मोटरसाइकिल की अलग होगी, कार की अलग होगी, और अंदर जाने पे कोल्ड चेन में तो व्यवस्थाएँ ठीक थी, लेकिन लेबर रूम में थोड़ी सी गड़बड़ थी, और जहाँ जाँच हो रहा था वहाँ पर जो लैब टेक्नीशियंस हैं ये लोग अपने लिए सावधान नहीं थे, एप्रेन नहीं पहने हुए थे, डोर मैट नहीं था, ये सब थोड़ी छोटी छोटी कमियां थी, बड़ी कोई ऐसी कमी नहीं थी। जी सर, यहाँ पर जो है मरीजों के लिए पानी पीने की क्या व्यवस्थाएं हैं? सर आपने यहाँ पे आपने निरीक्षण किया है तो आपको पता, आपने पता चल लगाया होगा, वो आरओ प्लांट इनका लगा हुआ है पीछे, और कूलर भी लगा हुआ है, लेकिन वो एसी के पिछले हिस्से में लगा हुआ है, और इस समय ये पानी इस समय नहीं है पूरे एसी में, मोटर नहीं चल रहा होगा, कहीं ना कहीं कमी होगी, इनको बताया गया कि इसको चालू करवाएं जल्दी अतिशीघ्र। जी सर, जैसे सूत्रों के माध्यम से हमें पता चला है सर कि यहाँ खिराड़ सीएससी से जो है मरीजों को डिलीवरी जो जच्चा आती हैं उनको जो है मार्केट से दवाई लेने के लिए भेजा जाता है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ दवाएँ सारी मौजूद हैं, अगर ये मार्केट से भेजा जाता है तो गलत है, जिसकी भी लापरवाही है वो ठीक नहीं है। अगर कोई शिकायत आती है लिखित रूप से तो उसकी जांच कराई जाएगी, उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। सर पहले कार्य वैसे सीएमओ को देखना होता है। जी सर, दवाओं की उपलब्धता, लेकिन अभी तो दवाएं यहाँ थी और बाहर से मंगाया जाता तो ठीक नहीं है। सर पूर्व में भी जो है नर्सों की शिकायतें आ चुकी हैं, और मैं एविडेंस के साथ भी हम आपसे पूछ रहे हैं कि जो है यहाँ स्टाफ नर्स हैं जो डिलीवरी करती हैं उन पर जो है अवैध वसूली के आरोप लगाए जाते हैं, इस संबंध में आपने निरीक्षण के दौरान आपने क्या जानकारी की? नहीं, अभी निरीक्षण में तो कोई शिकायत नहीं मिली है, और जो पेशेंट्स यहाँ वार्ड में हैं उन्होंने शिकायत नहीं किया, उनसे कई तरीके से पूछा गया लेकिन उन लोगों ने नहीं बताया कोई, लेकिन अगर कोई लिखित शिकायत देता है और सबूत है तो ज़रूर कार्रवाई की जाएगी, उनके तनख्वाह भी रोकी जाएगी, ट्रांसफर भी किया जाएगा, हटाया भी जाएगा, सस्पेंड भी किया जाएगा, जो भी। जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये सीएससी हॉस्पिटलों के लिए जो है रंगाई पुताई के लिए ऊपर से जो पैसा आया है उसमें यहाँ आपने देखा कि यहाँ ना तो रंगाई है ना पुताई है, यहाँ मेन गेट का जो डेस्क बोर्ड लगा हुआ है वो भी जर्जर हालत में टूटा हुआ दोनों साइड में लटका हुआ है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये सीधे सीधे ये पैसा सीएमओ के पास आता है, और अभी पिछले दिनों में ये पैसा आया था और कुछ यहाँ कमियाँ थी, इसीलिए यहाँ के MOIC को हटा करके दूसरे MOIC भेजे गए हैं, उनको 1 महीने का टाइम दिया जाएगा, 1 महीने में ठीक नहीं होगा तो फिर CMO एक्शन लेंगे। जी सर, धन्यवाद सर।